हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम और एडमिशन के ऊपर। अब चाहे आप रेगुलर से हो, SOL से हो या फिर NCERT से हो, ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और उस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है उतना लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग कहते हैं बार बार कि मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत देर से करता हूँ, मेरे को भी बताया 3 से 4 घंटे तक का टाइम लगा देता हूँ एक कमेंट का रिप्लाई करने में भी। इसका एक मेन रीज़न है कि देखिए, जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं ना, वो एक शेड्यूल्ड वीडियो होती है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तारीख होगी 31 तारीख, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के अभी 30 तारीख के रात के बस 10 बज रहे हैं, यानी अभी जन्माष्टमी का दिन है। तो आप सभी को एक बार सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसीलिए यार देखिए, एक तो शेड्यूल्ड वीडियो होती है और जो मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है, इसीलिए मैं आपको कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पर आ जाए, वहाँ पर मैं आपको सभी तक का लगभग रिप्लाई दे देता हूँ। मैं खुद जो अपना YT है वो लगभग 4 से 5 घंटे में एक बार रीलोड करता हूँ, तो तभी जब मैं आपको कमेंटों का रिप्लाई कर पाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए करिए, पर ये नहीं है कि कमेंटों का रिप्लाई नहीं देता, जिनका कमेंट रिप्लाई लायक होता है मैं सभी को रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो बस आप थोड़ा रो सब्र दिखाइया करिए, आप बिल्कुल वेट ना करते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के ऊपर, क्योंकि जो ये टॉपिक रहने वाला है SOL रेगुलर और NCERT तीनों के लिए रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के ऊपर, जिन्होंने एडमिशन हाल ही में 2020 से 2021 वाले सेशन में लिया था। तो देखिए, जो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके 15 दिसंबर से, ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ थर्ड सेमेस्टर वालों की, ठीक है। 15 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का इन्होंने टाइम दे रखा है, 29 दिसंबर तक का आपका एग्ज़ाम के लिए आप लगा सकते हैं, यानी लगभग 14 दिन में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, आपको इतना टाइम मिलेगा। अब आप लोग बोलेंगे ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये सिर्फ रेगुलर और NCERT के लिए है। देखिए, ये बेशक जो कैलेंडर है रेगुलर और NCERT का हो, लेकिन जो एग्जामिनेशन टाइम का पीरियड है वे यही SOL में फॉलो किया जाता है। जब से SOL के अंदर CBCS सेमेस्टर सिस्टम आया तब से SOL भी जो आपके एग्ज़ाम है वो रेगुलर के हिसाब से ही करवाता है। जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वही रेगुलर वाले बच्चों का भी स्टडी मटेरियल होता है, जो आप पढ़ते हैं वही रेगुलर वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो जो SOL के एग्ज़ाम भी है वो भी 15 दिसंबर से बिगिन होंगे थर्ड सेमेस्टर के, जिसके साथ आपके रेगुलर और NCERT वाले बच्चों के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये बात रही थर्ड सेमेस्टर की। अब बात करते हैं एक बार फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर। अब ये उनके लिए जिन्होंने एडमिशन लिया था 2019 से 2020 के सेशन में, जब SOL के अंदर एक CBCS सेमेस्टर सिस्टम आपका लागू हुआ था। देखिए, जो उनके एग्ज़ाम है यानी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम, जिन्होंने हाल ही में अभी फोर्थ सेमेस्टर में असाइनमेंट सबमिट किया जुलाई में, अब जो उनके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो होंगे 30 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। लगभग आपको 17 या 18 दिन का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अभी की मैं बात करूँ, पूरे से पूरे 3 महीने पड़े हैं एग्ज़ाम के अंदर, अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आपका स्टडी मटेरियल टाइम पे अपलोड कराया जाए तो, क्योंकि अभी तक अपलोड करा ही नहीं गया स्टडी मटेरियल तो, न सिलेबस आया। तो अभी के लिए आप लोग अभी तो खैर भूल जाइए, प्रिपरेशन जो भी करना है आपको गूगल से करना है। खैर, मैंने भी कई वीडियोस बना रखी है सिलेबस के रिगार्डिंग, आप लोग वो भी देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर, ठीक है। तो 30 नवंबर से आपके एग्ज़ाम है और जो 17 नवंबर तक चलेंगे, यही टाइम पीरियड आपका रेगुलर और NCERT का तो है, SOL के लिए भी यही फॉलो होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि CBCS सेमेस्टर सिस्टम ही SOL भी फॉलो करता है, बस आपका क्लासेस को छोड़ के, क्योंकि क्लासेस तो SOL में हो या ना हो एक ही बराबर है, ठीक है। आप लोगों को ये लगा के चलना है। तो 30 से एग्ज़ाम है, 17 दिसंबर से आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एडमिशन के ऊपर। अब जो ये टॉपिक रहेगा ये सिर्फ SOL वालों के लिए रहेगा। तो जी, अब बात करते हैं एडमिशन के ऊपर। देखिए, इसको हम एक ही साथ कवर करेंगे, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर का। मैंने जब लास्ट टाइम आपको एडमिशन पे इन्फॉर्म दी थी वो यही थी कि आपका एडमिशन तभी स्टार्ट होंगे जब आपका SOL का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। और अब जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करा जा चुका है सिर्फ BA प्रोग्राम को छोड़ के, और उनका रिज़ल्ट भी मैंने पहले बता रखा है 10 सितंबर तक या फिर 10 सितंबर से पहले पहले ही वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही वेट करना है, लगभग 10 से 11 दिन का, और BA प्रोग्राम के अगर आप स्टूडेंट हैं। तो अब बात करते हैं आपके एडमिशन के ऊपर। देखिए, अब रिज़ल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है प्रेमराज सर जी ने बताया था 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका रिज़ल्ट इस पर क्यों डिपेंड करता था कि आपके एडमिशन आपका डिपेंड करता था आपके रिजल्ट पे जो आपका आ चुका है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी की ERI या कोई रिवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहता, तो
तो वो जो है अपना जो है पेपर की जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तब आप इसको चॉइस आती है आपके पास कि आप अपने बैक का पेपर देंगे, वो आपके पास चॉइस का, वो तो आपको कंपलसरी होता है कि आप अपना, अगर आपकी थर्ड में बैक आई है तो आप फर्स्ट में देंगे उसका फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देंगे, और अगर आपकी किसी की फर्स्ट में बैक आई है तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ उसका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है इतना डिले हुआ और तभी आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जो आपके एडमिशन की संभावना मेरे को लग रही है 20 से 25 सितंबर के बाद जो आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं। बस इतना सा ही आप लोगों को वेट करना है। पहले जो एडमिशन है वो शायद ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए होंगे, फिर आपका जो है प्रोग्राम कोर्सेज के लिए स्टेप बाय स्टेप आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट करवाए जाएंगे। 20 से 25 तारीख तक का आप लोगों को वेट करना है। तो आज की वीडियो इतनी सी थी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।